चलिए तो भाई बात कहाँ तक पहुंची हमारी, बात पहुंची है चेंज ऑफ पर्सन हो गया और चेंज ऑफ आर्मी, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्क को कैसे चेंज किया जाए और उसमें हमने जिक्र किया था अगर मान लीजिएगा असर्टिव होगा तो से टू का कर देंगे टेल, सेस टू का कर देंगे टेल और सेट टू का टोल्ड कर देंगे, ठीक ये बोला था। आगे बोला था इंटरोगेटिव होगा तो सैड हो या सेट टू उसको बदल देना है आपको, इसमें आप आगे बोला था अगर इंपेरेटिव हो तो उसको ऑर्डर टू बदलना है, रिक्वेस्टेड में है और सजेस्टेड में बदलना है, इस तरीके से करना है। और आगे ऑब्जेक्टिव को क्या बोला था और बाकी एस्केलेट विद जॉय सोरो रिग्रेट इस तरीके से बोला था। तो यानी चेंज ऑफ आरबी भी हमारा हो गया, ठीक। आगे रुक करते हैं चेंज ऑफ टेंस, आखिर चेंज ऑफ टेंस यानी इसका पॉइंट नंबर कितना था, थर्ड हो जाएगा फिर ये सेकंड, हां वैसे तो सेकंड है लेकिन चलो अब थर्ड हो जाएगा, पिछले डाल दिया था हैं। तो ये क्या था चेंज ऑफ टेंस, आखिर ये क्या होता है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक। चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस में बदलाव करेंगे किसके में, आखिर आरएस के में, यानी चेंजिंग जो करना है वो आरएस के में करना है। और टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है, वर्ब में चेंजिंग करना इसका मतलब, और वो किसके में आरएस के में करना है, समझे ना। यानी आरएस के वर्ब में भी चेंजिंग होगा, आरबी के में कर दिया हमने वो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, उसके बाद आरएस के में चेंजिंग होगा वर्ब में भी, यानी टेंस का दूसरा नाम वर्ब होता है तो उसमें भी हम चेंजिंग करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, क्या कंडीशन को जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा कॉमा एंड कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड ऐसे कुछ होगा और एंड कॉमा क्लोज इस तरीके से मिलेगा। ये आपका मान लीजिएगा ये आरबी है और ये आपका आरएस है। मान लीजिए आरबी जो आरबी आपका अगर हुआ आपका प्रेजेंट में, हुआ आपका प्रेजेंट में, हुआ आपका फ्यूचर में, या तो प्रेजेंट में या फिर किस में हो फ्यूचर में हो, तो याद रहे जो आरएस है उसका जो टेंस होगा नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस में क्या है कोई बदलाव आपको नहीं करना है, यानी टेंस में चेंजिंग नहीं करना है। कब, जब आर भी आपका हो प्रेजेंट में या फिर हो फ्यूचर में, तो नो चेंज ऑफ टेंस, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो लाइव करके देखते हैं। एग्जाम्पल बात करें तो जैसे हमने बोला मान लीजिएगा ही सेज कमांड टू कमास प्रदीप प्लेस क्रिकेट, हमने बोला ही सेज प्रदीप प्लेस क्रिकेट। अब इसको बनाना है तो डायरेक्ट हो गया, बताया था एंड कमास के लिए होगा तो डायरेक्ट होगा, इंडेंट बनाना है तो ही सेज का सेज रहेगा, सेज टू होता तो टेल्स करते, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट क्या होता, कमांड टू कमांड की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि आरएस किस में है असर्टिव में है, प्रेजेंट से मतलब नहीं है, किस में है असर्टिव में है, इस वजह से काम करेंगे। आगे प्रदीप है तो प्रदीप को चेंज करेंगे, जो का तो रहेगा भाई, ये क्या है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन थोड़ी नहीं होता चेंज, तो प्रदीप अब प्लेस है तो बोले जो का तो रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, ये हमारा किस में था तो जोगा तो ये रहेगा वो चेंज ऑफ टेंस होगा। यानी अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास में तो पास में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, यानी नो चेंज ऑफ टेंस होगा। ऐसे ही मान लीजिएगा हु ही विल से कमांड टू कमास यू आर गुड स्टूडेंट, ही विल से यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो ही विल से और कमांड कौन सी जगह दैट, ये देखो फ्यूचर में है, पहचान पा रहे हो, पढ़ा दिया था अब चैप्टर तो आना चाहिए पहचान में, तो ही विल से दैट। आगे क्या होना चाहिए, क्या कर दे आगे ऑब्जेक्ट का इंतजार, तो बोलो क्या मान लें, आई मान लेते हैं, चलो मान लिया, और आई एम अ गुड स्टूडेंट, बैठ जाओ। तो क्या है हमारे क्या हुआ था, आई एम अ गुड स्टूडेंट,
बोलो कोई आपत्ति है तो अमान शिवम है तो दिक्कत भाई मैंने ये कहा है नो चेंज ऑफ टेंस चेंज मतलब चेंज जो नहीं होगा वो किसमें नहीं होगा टेंस में होगा पर पर्सन के लिए निकाह पर्सन को तो कहा था हर जगह ये नाम होगा चेंज ऑफ पर्सन का तो रूल हर जगह होगा लागू चाहे कोई ऐसा ही भी हो ये किसी में भी हो इससे हमें प्रॉब्लम पड़ रहा है तो ये जाना आपने अगर ये आरबी प्रेजेंट में फ्यूचर में है तो नो चेंज ऑफ टेंस आने वाले आरएस में होगा तो इतना लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं चले जी हो गया आगे बढ़ा जाए मान लीजिए आप नेक्स्ट चेंज ऑफ टेंस में ही ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा अब मान लीजिए आरबी पहले था प्रेजेंट होगा किसमें फ्यूचर में तो नो चेंज ऑफ टेंस हो रहा था लेकिन अगर मान लीजिएगा ये पास्ट में ये अगर आपका पास्ट में हो तब क्या होगा चेंज ऑफ टेंस फिर चेंज ऑफ टेंस होगा फ्राल होगा जाने का प्रयास करते मान लीजिएगा ये हो आपका प्रेजेंट में और वो आपका फ्यूचर में तो किस प्रकार चेंजिंग होगा टेंस में जब ये तुम्हारा होगा पास्ट में आगे तब चेंजिंग होगा प्रेजेंट में हो या चाहे फ्यूचर में हो चाहे पास्ट में हो फिलहाल प्रेजेंट और फ्यूचर के देने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे चेंज होगा जैसे मान लीजिए अगर ये मिल जाए आपको प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस में मिलेगा तो कैसे मिलेगा मान लो देखो जाने का प्रयास किया अपना हमने जाना कि मान लो पॉइंट नंबर एक अगर मान लीजिएगा हो आपका ये सिंपल प्रेजेंट में हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या करना है इसको बदल देना है आपको सिंपल पास्ट में यानी इसको आपको चेंज कर देना है किसमें सिंपल पास्ट में अब सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है V1 या V5 तो होता है भाई V1 और V5 तो होता है सिंपल प्रेजेंट का मतलब इसको किसमें बदलना है आपको V2 में खत्म कहानी कोई नई बात नहीं है ऐसे भी पता ना चले तो ये देख लेना कि V1 है कि V5 है बदल दो V2 में नंबर टू आगे क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर हो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तब उस कंडीशन में क्या करोगे जी उस कंडीशन में क्या करना है उस कंडीशन में इसको कर देना है पास्ट कंटिन्यूअस ठीक पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है इज एमआर भाई यही तो है Yes, sir. इजमार ये होता है और इजमार को आपको कर देना है किसमें ठीक नंबर थ्री मान लीजिएगा मिलेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट मिले तो क्या करना है उसको बदल देना आपको पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है यानी इसका मतलब क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होगा हैज या हैव बस इसका मतलब क्या होगा हैज या हैव को किसमें चेंज करना है हैड में चेंज कर देना है कोई नई बात नहीं नंबर फोर मान लीजिएगा हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो क्या करना है उसको कर देना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ठीक इसका मतलब क्या होगा हैज या हैव और प्लस बी इसको चेंज कर देना है हैड बीन ठीक नेक्स्ट अब मान लीजिएगा अगर हो आपका अभी तो हो गया प्रेजेंट की बात अब फ्यूचर का क्या होगा अभी फ्यूचर में क्या हो सकता है फ्यूचर कोई टेंस होता नहीं है वो क्या होता है मॉडल का प्रयोग होता है उसमें मान लीजिए अगर हो आपका विल कोई विल है तो उसको कर देंगे आप वुड में तो विल जो है वो किसमें चला जाता है वुड में चेंज होता है ऐसे ही मान लीजिएगा अगर हो आपका शुड सॉरी शैल हो शैल है तो उसको कर देंगे आप शुड तो इस तरीके से चेंज होता है तुम्हारे प्रेजेंट में और फ्यूचर में अगर आर एस है तुम्हारा तो इस तरीके से चेंजिंग होगा अगर ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में है लेकिन कब जब आर भी पास में हो तब
नहीं तो अगर प्रेजेंट में है ना और फ्यूचर में है ये तो नो चेंज ऑफ टेंस, ये पहले लिखा दिया है। अगर यहाँ तक कोई आपत्ति है तो दर्ज कराओ, ना तो से लिखो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल देख लो, सीखे यहीं पे देख लो। चलो देखो, He said, "Come on to Kamaz. He is a doctor." अब इसको बनाना है। बना जरा शिवम। He शिवम बोलो। He said that is or हाँ इसमें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट भी तो मानना पड़ेगा इसमें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मानना पड़ेगा तो हाँ मानो, कुछ भी मानो बनाओ ना फिर। आई मान लू। आई मान लू। अच्छा आई मान लिया हो। हाँ He was a doctor. अरे इसका मतलब क्या होता है, वीवन नहीं होता। yes, तो इसको वीडियो बनाकर भैया इसको आ जाओ। इट इज नॉट इवन। क्या वीवन? कौन सा फाइव? सॉरी हां ये भी फाइव है, तो भी फाइव है या वीवन है, किसमें करोगे इसको? वी2 में करोगे भाई, या ऐसे ना आसन में जैसे देख लो मैंने कहा था एग्जाम आपको किसमें करना है, अगर मैं तो एग्जाम आपको बाद में करोगे नहीं करोगे, तो इसलिए ही वाज अ डॉक्टर। अ डॉक्टर होगी बात खत्म। यहाँ पर हम क्या मान लें भैया, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, पर चेंज ऑफ टेंस जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा वी2 देखो पास्ट आ रहा है, तो आर भी हमारा पास्ट में है कि नहीं, आर भी पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा, इसलिए हमने किया। आगे देख लो और दूसरे एग्जाम्पल को जानने का प्रयास करें, तो राहुल said to me he is my uncle. Rahul said to me he is my uncle. So banao chalo. Rahul told me that Rahul told me that he was my uncle. He was my uncle. हाँ बोलो। So he was his uncle. He was his uncle. My को क्यों छोड़े? My first person according to change of subject of RV. तो he was his बुरा खोल करना दिमाग, ऐसे नहीं कि उड़ते उड़ते कुछ भी बोल दोगे, समझो पहले जो लिखाया है उसको पढ़ो घर जाके, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ा दिया तो याद हो जाएगा, उसको देखो घर जाके। देख रहे हो घर पे नहीं है? तो सही से देखो उसको, ध्यान से देखो उसको, एक बार नहीं दो बार देखो, तीन बार देखो, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा उसको, ये नहीं कि एक बार पढ़ ले वो माइंड में फिट हो जाएगा, वो भूल जाते हैं, उसको फिर से चेक कर लो। ठीक बढ़िया हो, थोड़े से लोगों राइट पास ट्राई करते हैं। चले तो आगे बढ़ा जाए। तो एक बात हमने कहा कि अगर आर भी आपका है प्रेजेंट और फ्यूचर में तो नो चेंज ऑफ टेंस, लेकिन पास में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा। मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर था तो किस तरीके से चेंज होगा वो दिखाया,
अगर मान लीजिए ये पास्ट में हुआ आर वी और आर एस भी पास्ट में, तो यहाँ पर मान लीजिए पास्ट है तो चेंज कैसे होगा, क्या चेंजिंग होगा जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगर हो ये आपका सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में हो तो क्या करना है, इसको चेंज करना है आपको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अब सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, वी टू होता है, होता वी टू होता है ना, और इसका आप किस में चेंज कर देंगे, हेड प्लस वी थ्री में, हेड तो आएगा हेड प्लस वी थ्री, यानी हेड प्लस वी थ्री में चेंज कर देंगे इसको, ठीक, क्योंकि वी थ्री का भी अकेला नहीं आता ना, तो हेड प्लस वी थ्री में चेंज कर देंगे। ऐसे ही मान लीजिएगा अगर हुआ आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस, अगर मान लीजिएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यानी पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वाज या वर, ठीक, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, हैड बीन, इस तरीके से, ठीक। और अगर मान लीजिएगा हो ये आपका पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो क्या है, नो चेंज, नो चेंज ऐसे ही रहने देना है, अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज। नंबर फोर, हो मान लीजिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो भी नो चेंज ऑफ टेंस, फिर भी क्या है, कोई बदलाव नहीं करना है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लीजिए हमने बोला ही सेड कमल टू कमाज, ही वॉज माई ड्राइवर, he said he was my driver, तो he said, Anisha, he said that he had been हेज, बहुत बढ़िया बात, बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है, पता है रूल रेगुलेशन पता है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बस देखे जाओ बनाए जाओ, क्या है उल्टा पल्टा नहीं हो कुछ, क्यों आशी। नंबर टू, दे सैड टू मी, दे सैड टू मी said to me you were playing cards, उसको बनाना है तो हाँ बना, चलो यू योगेश, they told me that you had been playing cards, Aman, Shivam, I am placing. क्या कह रहे placing करे जा रहे हो sir? He had been. हाँ. Sir, I had been playing cards. But you को change करेंगे according to object of RV.
यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज इज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आर बी, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, आया आ जाएगा वर आ रहा है, तो वर को किसमें कर देंगे, हेड में चेंज कर देंगे, या वैसे लगा लो हिसाब कंटिन्यूअस है तो भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा, जैसे कर लो जैसे मर्जी, तो हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स ब्रो, क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति है दर्ज कराओ, नहीं तो प्रेस लिखो कर जाओ, अमन फोकस कर, चले तो आगे बढ़ते हैं क्या कह रहे हो, कुछ नहीं सर, वकील देखो तो चलो सर, चलो भाई आगे देखो जरा, मान लीजिए फोर्थ नंबर हो जाएगा ये, और फोर्थ नंबर क्या है, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, आगे दूसरे शब्दों को चेंज कैसे करेंगे, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक, तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज किया जाएगा कुछ तरीके से, आपका मान लीजिए डायरेक्ट में क्या लिखा मिलेगा, डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में क्या करना है, फिर इसको चेंज करना, ऐसे दो कॉलम में बना के लिखना आपको भी, जैसे मान लीजिएगा आपका दिस हो तो दिस को चेंज कर देना दैट, ऐसे मान लीजिएगा आपका हियर हो उसको चेंज कर देना है दी हियर, ठीक, हियर देयर, इस तरीके से इसी तरह लिखो और आगे मोर वर्ड करो, लिख ले जाओ ऐसे कॉलम बना लो, लिख ले जाओ, पहले डायरेक्ट पर लिखना फिर डायरेक्ट पर लिखना है, बोलो अभी ना ऐसे कॉलम बना लो, ऐसे बिना बात कैसे जा रहे, कोई बात है लिख लिया, सर बोलो लिख लिया, तो जिसका दैट हो गया, हियर का देर होगा, लिखो दीज, सिवा पीछे रह गए, जल्दी से लिखो कदर दीज, तो थोड़े से आगे आ जाओ, उनके से लिख लो, दीवार हो गई दीज, दीज टी एच ई एस ई दीज, दीज को चेंज कर देना है डोज में, टी एच एस ई डोज, दीज को चेंज कर देना है डोज में, और लिखो नाउ N-O-W, now, तो now को चेंज कर देना है, then, T-H-E-N, then, और लिखो, yesterday, 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 Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, yesterday, तो yesterday को चेंज करना है, the previous day, P-R-E-V-I-O-U-S, previous day, स्लैश करके लिख लो उसी में ही, या कर सकते हैं दे द डे बिफोर, 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 डी ई एफ ओ आर ई बिफोर, इसको हम लिखो जल्दी से, और लिखो टुडे, टुडे एंड टी ओ डी ए वाई टुडे, टुडे को लिख कर देना है दैट डे, दैट डे, दैट डे, और लिखो टुनाइट, टुनाइट, टुनाइट को कर देना है दैट नाइट, दैट नाइट, और लिखो टुमोरो, टुमोरो, टी ओ एम ओ आर आर ओ डब्ल्यू, टुमोरो, टी ओ एम ओ आर आर ओ डब्ल्यू, टुमोरो, इसको कर देना है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या कर देना है स्लैश लगा के द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, F O L L O W I N G, following day. Also the day after tomorrow, the day after tomorrow, the day after tomorrow, the day after tomorrow, इसको कर देना है. Two days later,
टू डेज लेटर एल ए टी आर लेटर टू डेज लेटर और लिखिए द डे बिफोर यस्टरडे द डे बिफोर यस्टरडे द डे बिफोर यस्टरडे द डे बिफोर यस्टरडे तो इसको चेंज कर देना है टू डेज बिफोर टू डेज बिफोर टू डेज बिफोर टू डेज बिफोर आगे लिखिए लास्ट नाइट ऐसे करके लेना है लास्ट नाइट हो डे हो और भी कुछ हो सकता है ठीक लास्ट नाइट है डे है तो इसको चेंज कर देना है आपको द प्रीवियस नाइट या डे डॉट 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 द प्रीवियस नाइट या डे डॉट 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 आगे लिखिएगा नेक्स्ट डे स्लैश मंथ ऐसे सेम सिस्टम नेक्स्ट डे हो मंथ हो ईयर हो है डॉट डॉट कर लो नेक्स्ट डे या मंथ है ईयर है नाइट है जो मर्जी इसको चेंज कर देंगे द फॉलोइंग डे मंथ ईयर द फॉलोइंग डे मंथ ईयर द फॉलोइंग डे मंथ ईयर और लिखिए इज एम आर डायरेक्ट में लिखना है इज एम आर और उसमें कर देना वाज वर्ड हालांकि उसमें लिखा दिया लेकिन फिर भी लिखा देता हूँ इज एम आर को किसमें चेंज कर देना है वाज वर्ड और लिखो वाज वर्ड अब उसमें लिखो डायरेक्ट में वाज वर्ड मान लीजिए डायरेक्ट में अगर हो वाज वर्ड डायरेक्ट में है अगर वाज वर्ड हो तो चेंज कर देना उसको हैड बीन में इनडायरेक्ट में लिख लो पार्ट में हैड बीन और लिखो मे एम ए वाई मे को कर देना माइट में मे को कर देना माइट में और ये कैन को कर देना है कुड कैन को चेंज कर देना है कुड में और लिख लीजिए सैल सैल को कर देना है शुड में सैल को शुड में विल को वुड में विल को वुड में और बाकी इतना लिख करके ठीक है ऐसे लाइन खींच दीजिए और फिर लिख लीजिए शुड वुड कुड आउट टू ठीक आउट टू नो चेंज तो क्या है इसमें नो चेंज कोई चेंज नहीं करना है नो चेंज कोई चेंज नहीं करना है जोगा तो रहने देना है और नोट में लिख लीजिए नोट में अच्छा इन्हें लिखा गया लिखो तो जल्दी से भाई दिखाई तो देना है दिखाई नहीं दे रहा है जब ना दे लो जब लिख रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो भाई अब दे रहा है चलो तो लिखो क्या खाया हो भाई क्या समझ रहा है चलो लिखो should would could लिया चलो तो आगे लिखो लिखो नोट पर लिख लो this that here this that here both that to change होगा नहीं this that he that तो वैसे भी नहीं होता है that here now I don't know यदि subject के जैसा काम कर रहे हो यदि subject का जैसा काम कर रहे हो तो इन्हें change नहीं करते हैं यानी this that here है now है अगर ये subject का जैसा काम कर रहे हैं तो इनको
चेंज नहीं करेंगे, वैसे कर लेंगे। अभी दिखा देते हैं लाइव। He said, "Kamal to Kamaz, this is my pen." Kamal to Kamaz close. और उसको बनाना है तो मनीषा he said. बोलो अमन सर तुम लिखवाए नहीं चेंज नहीं होगा सर बताओ ना भाई जैसा काम कर रहा ना तो चेंज नहीं होगा। हाँ तो फिर बोलना है क्या सेंटेंस लिखूं तो दिस इज माय पेन। हाँ दिस वर हिज पेन। दैट वर हिज पेन। दैट वर हिज पेन। हाँ दिस वाज हिज पेन। दिस इसका क्या हो जाएगा वॉच को क्योंकि ये वी टू ये आर वी किसमें है पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस तो होगा ना इसे हमारे का वॉच पर होगा तो वॉच कर दिया दिस के लिए वॉच आएगा सिमिलर है तो दिस वॉच। अब माई आ गया माई कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ आर वी तो ही के हिसाब से क्या हो जाएगा फिर उसके बाद पेन हो जाएगा ऐसे कुछ होगा कर जाओ चलो मेहनत कर लेगा बोलो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट ही सेड टू मी यू विल कम हियर। चलो बनाओ पीछे अमन ही टोल्ड मी टोल्ड हाँ मी टोल्ड मी दैट दैट आई शिवम आई वुड कम हियर हां योगेश आई वुड कम हियर हां आई वुड कम हियर हां चलो चलो यू आई वुड कम हियर हां आई वुड कम दे दे आई वुड कम देयर आई वुड कम देयर क्या कर रहे हो आई वुड कम अरे बिल्कुल कर देंगे वुड ये पास्ट में है तो वुड हो जाएगा हियर का देयर हो जाएगा अब ये सब्जेक्ट फिर नहीं है तो देयर हो जाएगा ऐसे बनेगा पहले आप लोगों चलो जल्दी सेलेक्ट पास इतना ही छोड़ेंगे आज के लिए भाई कल करेंगे ठीक है।